भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर डीएम और एसपी ने माल्यार्पण एवं नमन किया। बेगूसराय 14 अप्रैल शुक्रवार के दिन भारत के संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र कुमार ने जिले के अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी निदेशक डीआरडीए प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी गण एवं जिले के गणमान्य व्यक्ति और जनप्रतिनिधि द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले कि देश के संविधान निर्माता के रूप में इनकी पहचान है, यह किसी से छुपी नहीं है और जो संविधान है वो भारत के लोकतंत्र है। भारत में हम लोग आजाद जी रहे हैं, उसकी जो बाइबल गीता कुरान भारत के संविधान है उसके लिए जो उन्होंने योगदान दिया है वह बहुत ही आदित्य है। हम सभी लोगों को उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। उनकी एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि आपके पैरों में भले ही जूता ना हो लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। इस तरह लोगों के पास किताब हुई तो शिक्षा का अलग जलेगा, उसी से देश आगे बढ़ेगा। यह सबसे बड़ी उनके द्वारा सीख हम लोगों को मिली है, उसे हमेशा याद रखना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है वह हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। वहीं पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने इस अवसर पर बोला है कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के आज जयंती है। देश की आजादी में जो उनका योगदान था आज भी देश दुनिया उनको याद करती है। उन्होंने जो पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था वह आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनके सशक्तिकरण के लिए जो देश के लिए मिसाल बना था वह आज पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने कहा है कि संविधान जो किताब है उसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। देश के संविधान निर्माता के रूप में उनकी जो पहचान कैमरा की वो किसी से छुपी नहीं है और जो आज भारत का संविधान, जो भारत का लोकतंत्र, जो भारत में आज हम लोग आज़ाद जी रहे हैं, इसकी जो बाइबल गीता कुरान भारत का संविधान है उसके उन्होंने जो योगदान दिया बहुत ही अद्वितीय है। हम सभी लोगों को उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए और जो समाज के जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया उसको नहीं भूलना चाहिए। हम उनकी एक बात को हमेशा याद रखनी चाहिए जो उन्होंने कहा था कि आपके पैरों में भले ही जूते ना हों लेकिन आपके हाथों में किताब होनी चाहिए। जिस तरह अगर लोगों के पास किताब हुई तो शिक्षा का जो अलग चलेगा उसी से देश आगे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी उनकी जो सीख है उन्होंने जो दी हम लोगों को, इसको हम सब याद रखें और देश को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने जो योगदान दिया, साथ ही साथ जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने भी जो योगदान दिया सबको आज हम लोग याद करते हुए पुनः सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। देखिए देश के संविधान के निर्माण में, देश की आज़ादी में जो उनका रोल था आज भी पूरा देश और पूरी दुनिया याद करती है। पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए और सबसे बड़े महिलाओं के लिए उन्होंने जो कदम उठाया था आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उनके सशक्तिकरण के लिए वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना था। आज पूरी दुनिया के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक आइकन के रूप में जाने जाते हैं और जो संविधान उन्होंने बनाया था वो एक किताब के रूप में आज मौजूद है। सभी हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसी से हमारी जो शक्तियां हैं शासन की, न्यायपालिका की, ब्यूरोक्रेसी की, वो सब निकलती हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है और हर बच्चे को उसको पढ़ना चाहिए।